नमस्कार। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव की 294 सीटों को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जी जान लगा रखा है। सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस अपनी अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई है और ISF से गठबंधन करने का G23 के नेता विरोध कर रहे हैं। जम्मू के अंदर G23 नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, जो पश्चिमी बंगाल में भी कांग्रेस की अंतर्कलह को जन्म दे चुकी है। दूसरी तरफ BJP TMC ने अपनी अपनी जीत के दावे ठोक दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार पश्चिमी बंगाल की सभी 294 सीटों पर नजर बनाए हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बंगाल दौरे के बाद तो पश्चिमी बंगाल की सभी 294 सीटों पर पूरा माहौल ही बदल गया है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में शामिल हुए और BJP ने इस जनसभा से पूर्व 27% मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी का जो अनुमान लगाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी काफ़ी वीडियोज आ चुकी हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की बात कह रहे हैं। उधर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मोदी जी की जनसभा के बाद पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर सर्वे कर जो आंकड़े दिए हैं, उसने सबको चौंका दिया है। ममता दीदी की तो नींद ही उड़ी हुई है। पश्चिमी बंगाल के प्रथम जोन की 35 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने सर्वे कर कांग्रेस के गठबंधन में ISF शामिल हैं, लेफ्ट शामिल हैं, कई अन्य जो कट्टरपंथी मौलाना भी इस कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है, इसलिए सट्टा बाजार ने कांग्रेस के गठबंधन को 8% वोट शेयर के साथ 1 से 2 सीटें दे डाली है। 136 साल पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के हाथों में रहने से कितनी कमजोर हुई है, इसका अनुमान पश्चिमी बंगाल की 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ होने से भी लगाया जा सकता है। और यही कारण है कि G23 के नेता कांग्रेस में बड़ा बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार को अलग अलग कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और उनके इस बदलाव की वजह से ही कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चली हुई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने प्रथम जोन की 35 सीटों पर अन्य को 3% वोट शेयर के साथ 1 सीट दे डाली है। वहीं TMC 31% वोट शेयर के साथ 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा के बाद फर्स्ट जोन की 35 सीटों पर BJP का वोट शेयर बढ़ा है और 58% वोट शेयर के साथ 23 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल होने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। दूसरे जोन की 56 सीटों पर 5% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर अन्य का कब्जा रह सकता है तो कांग्रेस के गठबंधन को 9% वोट शेयर के साथ 7 से 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं TMC को 26% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है, क्योंकि इस जोन में मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा इन 56 सीटों पर पूरी तरह से हो चुका है। TMC में भी मुस्लिम वोटर्स जाएंगे, इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन में भी, ISF में भी और इसके साथ साथ BJP में भी, और जिसका BJP को पूरा फायदा मिलने के अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। सट्टा बाजार ने दूसरे जोन की 56 सीटों पर BJP को 60% वोट शेयर के साथ 42 से 44 सीटें दे दी है। बंगाल के तीसरे जोन में टोटल 84 सीटों को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने शामिल किया है, जिसमें 4% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहेगा और 9% वोट शेयर के साथ 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। TMC 35% वोट शेयर के साथ 32 से 34 सीटों पर कब्जा कर सकती है।
तो वहीं 52% वोट शेयर के साथ 45 से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल हो सकती है। पश्चिमी बंगाल के चौथे जोन में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 119 सीटों को शामिल किया है, जिसमें 5% वोट शेयर के साथ 1 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है, तो 7% वोट शेयर के साथ 2 से 4 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। टीएमसी 31% वोट शेयर के साथ 36 से 38 सीटों पर इस चौथे जोन में जीत दर्ज कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी 57% वोट शेयर पर कब्जा कर 80 से 82 सीटों पर कमल खिलाने में सफल हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा चुका है। पश्चिमी बंगाल की सभी 294 सीटों की सर्वे को आसान भाषा में समझे तो 4 से 6 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को 16 से 23 सीटों पर सफलता मिल सकती है और पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों को 20 रुपये का भाव दिया है, यानी 1 रुपये का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को सट्टा बाजार 20 रुपये देगा। यदि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस है, लेफ्ट है, ISF है, इसके अलावा भी कई कट्टरपंथी मौलाना शामिल हैं, टीएमसी पश्चिमी बंगाल में 84 से 92 सीटों पर कब्जा कर सकती है और ममता बनर्जी की सरकार बनने पर यानी तीसरी बार रिपीट होने पर 13 रुपये का सट्टा भाव सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों को दिया है। वहीं मोदी जी की आंधी पश्चिमी बंगाल की 190 से 198 सीटों पर चलती हुई साफ दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को 190 से 198 सीटें देते हुए राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 3 रुपये का भाव अपने व्यापारियों को दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार आए दिन सर्वे करवा करके अपने समीकरण हैं वो जारी करता है, इसलिए भविष्य में सट्टा बाजार के समीकरणों में कई बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथ ही हम भी किसी व्यक्ति को सट्टा लगाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। जिनू ग्रुप सर्विसेज इसके लिए किसी तरह से कोई प्रेरणा नहीं देता है। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी है और अमित शाह ने जो पश्चिमी बंगाल में नारा दिया था अब की बार 200 पार, इस नारे के नज़दीक बीजेपी की सीटें हैं वो पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ एक जनसभा ही पूरे बंगाल में इस तरह से उथल पुथल मचा चुकी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोदी जी चुनाव से पहले पहले टोटल 19 जनसभाएं और भी पश्चिमी बंगाल में करेंगे, जो पश्चिमी बंगाल के सभी 23 जिलों में अलग अलग जगह पर होगी। इन 20 जनसभाओं के बाद पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर बीजेपी, TMC और कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति को आप भली भांति समझ सकते हैं कि इन सीटों पर किस तरह से किसका क्या हाल रहेगा। फिलहाल इन सर्वे आंकड़ों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही पांचों राज्यों की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।